एक बार की बात है, किसी घने जंगल में एक बकरी रहती थी। एक दिन एक बहुत तपस्वी साधु उस जंगल से गुजर रहे थे, तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपनी वर्षों की तपस्या से एक जादुई फल प्राप्त किया था। उन्होंने उसी दिन यह निश्चय कर लिया था कि वह इन फलों का स्वयं के लिए उपयोग नहीं करेंगे, इसीलिए वह इस फल को किसी जरूरतमंद को देने का सोचते थे। तभी उसे एक बकरी दिखी जो कि दूसरों की मदद करती थी। तभी साधु महाराज ने सोचा, यह बकरी मुझे इसके योग्य लगती है, लेकिन क्यों ना एक बार इसकी परीक्षा ले ली जाए। और साधु महाराज ने अपनी सिद्धियों से भेड़िए का रूप धारण कर लिया और बकरी के पास जाकर बोलने लगे। वह उसके पास जाते ही कहते हैं, बकरी बहन, मेरी मदद कीजिए। बकरी थोड़ा डर जाती है। तभी भेड़िया कहता है, भयभीत मत हो बहन, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मैं इस जंगल में नया हूँ और अब बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैंने आपके बारे में सुना था, इसीलिए यहाँ तक चला आया। अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में ही मिल गई। बकरी बोली, ठीक है भैया, मैं आपकी मदद करती हूँ। चलिए मैं आपको जंगल से बाहर छोड़ देती हूँ। यह सुनकर भेड़िया बकरी को धन्यवाद कहता है और बकरी उसे जंगल के बाहर छोड़ देती है। जैसे ही बकरी उन्हें जंगल के बाहर छोड़ती है तो भेड़िया पुनः अपना साधुई रूप धारण कर लेता है और साधु के रूप में प्रकट होकर बोलने लगता है। बकरी यह देखकर भयभीत हो जाती है और फिर कहती है, प्रणाम महात्मा जी, आप कौन हैं? तभी साधु महाराज कहते हैं, धन्य हो तुम बकरी, मैंने तुम्हारी दयालुता के बारे में बहुत सुना था, इसीलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुमने तो अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी मदद की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो? तभी बकरी बोली, महात्मा जी, मैंने आप जैसे दिव्य तपस्वी के दर्शन कर लिए हैं, मैं तो इसी से धन्य हो गई हूँ, मेरा जीवन तो इसी से सफल हो गया है, भला मुझे और क्या चाहिए? परंतु साधु के आग्रह पर वह बोली, ठीक है महात्मा जी, आप मुझे जो भी देंगे मुझे वही स्वीकार्य होगा। तभी महात्मा जी ने बकरी को एक फल देते हुए कहा, ये जादुई फल है, इसे खाते ही तुम दुनिया की सबसे ताकतवर और बलशाली जानवर बन जाओगी। इसमें निहित अपार शक्तियां तुम में समा जाएगी। इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। अब बकरी भी यह फल लेकर जाने ही वाली थी कि एक बाघ वहां आ जाता है। वह जोर से दहाड़ मारता है और कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं तुम्हें घी खाऊंगा। तभी बकरी को महात्मा जी का वह फल याद आ जाता है। उसने तुरंत उस फल को खा लिया। उस फल के खाते ही दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और बकरी में अपार शक्तियां समा गई। अब वह बकरी का तेज देखते ही बनता था। अब बकरी बहुत ताकतवर हो गई थी। जैसे ही बाघ उस पर हमला करता है, तभी बकरी ने उसे उठाकर फेंक दिया। इस तरह का प्रहार देख बाघ भाग खड़ा हुआ। बाघ को हराने से बकरी में अहंकार आ गया और उसने एक एक करके जंगल के सभी ताकतवर जानवरों को धूल चटा दी। अब इस तरह से वह जंगल का राजा बन गई और अहंकार में समा गई। इस कारण वह बहुत घमंडी हो गई और जंगल के जानवरों को तंग करने लगी, क्योंकि अब बकरी को कोई हरा नहीं सकता था। बकरी को किसी का डर नहीं था। बकरी के आतंक से जंगल के सभी जानवर भयभीत हो गए और धीरे धीरे जंगल को छोड़ने पर मजबूर होने लगे। लेकिन बकरी को तो मानो इन कामों में मजा आने लगा। अब तो बकरी को जंगल में कोई भी देखते ही डरने लगा।
तभी यह खबर उन महात्मा जी के पास पहुंची। तब यह खबर उनके पास पहुंची तो पहले तो महात्मा जी ने ये यकीन ही नहीं किया कि वह बकरी ऐसा कर सकती है। महात्मा जी ने पुनः उसी जंगल में प्रवेश किया और वह एक बकरी का रूप धारण कर अब वह उस बकरी के पास गए और बोले, बहन मेरी मदद करो, मुझे इस जंगल में भटकते भटकते 2 दिन हो गए हैं और अब तक पानी तक नहीं मिला है। तुम तो यहीं की लगती हो, कृपया मेरी मदद कीजिए। घमंड में चूर बकरी बोली, जानती नहीं मैं जंगल की राजा हूँ। और इतना कहकर वह उस बकरी पर हमला कर देती है। तभी बकरी साधु का रूप धारण कर लेती है और महात्मा जी कहते हैं, दुष्ट बकरी, मैंने तुम्हें यह फल तुम्हारी दयालुता को देखकर दिया था, परंतु स्वभाव के अनुसार तुम्हारे अंदर घमंड आ ही गया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पुनः सामान्य बकरी हो जाओगे, तुम्हारी सभी शक्तियां समाप्त हो जाएगी। बकरी उस साधु महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा मांगने लगी, महात्मा जी मैंने चाहते हुए भी पता नहीं क्या कर दिया, मुझे इसकी क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब आप ही मुझे क्षमा कर सकते हैं। तब साधु बोला, जब तुम अपनी शक्तियों के लायक हो जाओगी तब तुम्हारी शक्तियां पुनः मिल जाएगी। अब बकरी जीवन भर अच्छे काम करने लगी और बकरियों को अपार शक्तियां मिल भी जाती है, परंतु बकरी उसी तरीके से सभी जानवरों की मदद करती है।